सोसाइटी आर्टिस्ट के लिए क्या करती है, किस तरह प्रमोट करती है, थोड़ा उस बारे में। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का ये इस साल का पहला आर्ट कार्निवल शो है। पिछले 135 साल से बॉम्बे आर्ट सोसाइटी कार्यान्वित है और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक कला प्रदर्शनी अभी हमारी जस्ट दो हफ्ते पहले जहांगीर आर्ट गैलरी में हुई, जहां पे करीबन 200 चित्रकार शिल्पकारों के कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी काफ़ी सालों से एक कला का चित्रकारों का प्रमोशन करते आई है। अलग अलग हम उपक्रम करते हैं जहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का ये आर्ट कार्निवल जो था ये पिछले साल शुरू हुआ था। आर्ट कार्निवल का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि ऐसे बहुत सारे चित्रकार शिल्पकार हैं जिन्होंने प्रदर्शन करना होता है लेकिन ये पूरी आर्ट गैलरी नहीं ले पाते हैं क्योंकि पूरी गैलरी का भाड़ा देना, रेंट देना सबके लिए थोड़ा सा, जो नए चित्रकार उभरते हुए चित्रकार उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आर्ट कार्निवल का कंसेप्ट हमारा यही आया था कि एक ग्रुप शो जैसा रखे और इसके जो चार्जेस वगैरह है ये आर्टिस्ट को एक अफोर्डेबल कैटेगरी में रहेंगे। इस प्रकार का ये सोसाइटी का प्रयास है कि आर्ट कार्निवल से आर्टिस्ट अपनी कला को प्रदर्शित कर पाए और जो मोस्टली मेट्रो सिटीज में जो ऑडियंस है, आर्ट बायर्स है, आर्ट कलेक्टर्स है, चित्र खरीदार जो वर्ग है, वहाँ तक उनको वहाँ तक पहुँचे। तो ये आर्ट कार्निवल का अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जो चित्रकार आए हैं ये सिर्फ बॉम्बे से ही नहीं है लेकिन बाहर से भी काफ़ी चित्रकार हैं, इवन वेस्ट बंगाल से चित्रकार आए हैं। तो ये जो व्यासपीठ है, ये जो प्लेटफॉर्म है, एक ये कॉमन ऐसा मंच है कलाकारों के लिए अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए। और पिछले साल हमने 5 आर्ट कार्निवल शो किए थे जिसमें करीबन 200 चित्रकारों ने और शिल्पकारों ने सहभाग लिया और उनकी कला यहाँ बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की जो प्रदर्शनी है आर्ट कार्निवल इसमें प्रदर्शित की गई थी। इस साल का ये आर्ट कार्निवल पहला है और इसमें भी हमारे जो दो आर्ट गैलरीज है इसमें सारी उनकी कलाकृतियाँ प्रदर्शित है और मैं आशा करता हूँ कि चित्रकार आगे भी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के आर्ट कार्निवल से अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे। और हमारा सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य यही है कि आगे चल के भी ऐसे शो जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, मंच है कलाकारों के लिए, ये शुरू रहे। तो इस साल हमने ये पहला आर्ट कार्निवल के बाद अभी अप्रैल में एक आर्ट कार्निवल का आयोजन करना है और उसके बाद सितंबर में ऐसे इस साल 3 आर्ट कार्निवल होंगे। अभी ये पहला है, फिर दूसरा अप्रैल एंड में होगा और देन थर्ड आर्ट कार्निवल विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इस साल, क्योंकि उसके बाद हमारी वार्षिक कला प्रदर्शनी आती है जो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कला मेला होता है जहाँ पे पूरे भारतवर्ष से कलाकार चित्रकार शिल्पकार अपनी कला भेजते हैं। तकरीबन हमारी 3000 चित्रकार चित्रकृति कलाकृति ये आती है और उसमें से करीबन 200 से 250 कलाकृतियाँ का चयन होता है और चयन के बाद उसमें करीबन हमारे 48 अवार्ड्स, अलग अलग अवार्ड्स है जिसमें गवर्नर्स अवार्ड से, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी अवार्ड से, ये सारे दिए जाते हैं। तो ये जो हम कहेंगे कि ये कला का उत्सव जारी रहेगा पूरे साल भर और ये आर्ट कार्निवल का जो हमारा कंसेप्ट था कि चित्रकारों को एक माफक एक थोड़ा सा अफोर्डेबल रेट में पार्टिसिपेट करने को मिले, क्योंकि सभी चित्रकार पूरा गैलरी नहीं ले सकते, पूरा सोलो शो नहीं कर सकते, तो सब मिलके आए और यहाँ पे अपनी कला प्रदर्शित करें, यही हमारा एक उद्देश्य रहा है और वो आगे भी जारी रहेगा। जी सर, हमारे यहाँ आज हमारे जो अतिथि है प्रोफेसर प्रकाश बिसे, ये इन्होंने पूरी अपनी जो लाइफ जर्नी है इसमें कला अध्यापन का काम किया है। रहेगा स्कूल ऑफ आर्ट में काफ़ी साल वो पढ़ाते थे, करीबन मुझे लगता है 30 साल से ज़्यादा वो अपना कला अध्यापन का काम करते हैं और उसके साथ साथ अपना जो आर्ट जर्नी है, कला का प्रवास है, वो भी उनका शुरू है। ऐसे सीनियर चित्रकार प्राध्यापक जिन्होंने जनरेशन्स तैयार किए हैं, जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट तैयार किए हैं, वो हमारे साथ आज है और आर्ट कार्निवल के बारे में, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के बारे में, वो काफ़ी साल से बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से जुड़े हुए, मैं चाहूँगा वो कुछ दो शब्द कहे अभी आर्ट कार्निवल के बारे में और सोसाइटी का जो प्रयास है चित्रकारों से जुड़ने का, उनको जुड़ा के लेने का,
उनके बारे में। जी सर, अभी जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट राजेंद्र जी पाटिल, उन्होंने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो 130 ईयर का जो पूरा प्रवास है ट्रैवलिंग है उसका शॉर्ट में सर्वे किया है। 2 वीक के पहले ही बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एनुअल एग्जीबिशन हुआ, उसमें काफ़ी अवार्ड है, उसमें रुद्र अवार्ड है जो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है। और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो शुरू से ही जो ट्रैवलिंग है, जो प्रवास है, तो ब्रिटिश टाइम जी स्कूल ऑफ आर्ट और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, जी स्कूल ऑफ आर्ट से जो आर्टिस्ट आज जो बता रहे थे कंपनी वर्ल्ड जो ऑल ओवर इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं, जो उनको प्लेटफॉर्म देना एक बहुत बड़ी बात है और अफोर्डेबल उनको जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का है। और उसके लिए जो प्रेसिडेंट है वो आर्ट फेस्टिवल से काफ़ी जुड़े हुए हैं, उनका इंडिया आर्ट फेस्टिवल ऑल ओवर दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, उससे भी वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्टैंड विशेष राजेंद्र पाटिल जो कर रही है जो आर्ट के लिए उतना कम बात नहीं। और अभी जो ये कार्निवल में जितने आर्टिस्ट पार्टिसिपेट है उनको शुभकामना देके मेरे को जो बोलने का पाटिल साहब ये जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट है बॉम्बे आर्ट जो ये दिया मौका दिया, इसके लिए उनका आभार मान प्रदर्शित करके और आपने मेरे को सुन लिया ये बोलते मेरा ये छोटा सा स्पीच। जी सर, मैं ये आपके अनुभव जानना चाहूँगा कि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, ये अनुभव जानना चाहूँगा। शुरुआत में काफ़ी लोग आर्ट्स उनको चाहिए, आर्ट्स करना चाहते लेकिन करते नहीं है, अमुक समय हो जाता है जब कुछ बूढ़े हो जाते हैं, पैसे से कमा लिए होते हैं, तब उनको अपने अंदर की जो कला है बाहर आती है कि अब हमें आर्ट्स करना चाहिए। ऐसे लोग को लोग किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे, क्या उनको करना चाहिए, आप आर्ट में आना चाहिए? देखो म्यूजिक जो है क्लासिकल म्यूजिक लोग रोज लगाते हैं सारे गमों को, ऐसा आर्टिस्ट ने भी रोज उसके लिए रियाज करने चाहिए, चाहे वो स्कल्पर हो, ग्राफिक प्रिंटर हो, उसके लिए कुछ नया कोर्स रहेगा चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। जी हाँ, क्योंकि लकीली मैं सब यूरोप म्यूजियम घूम के आया, पेरिस आया, रोम आया, एम्स्टरडेम आया, तो उन लोग का देखेगा तो पूरा इन्फ्लुएंस अपने ऊपर भी है क्योंकि ब्रिटिश टाइम थे, क्योंकि इसका एस्टेब्लिश 1888 में हुआ, अभी 130 ईयर का एक बड़ा ट्रैवलिंग है और ये 3rd-4th जनरेशन चला रही है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी स्टूडेंट हैं नए उनको लगता है कि झट से मेरे को एक्सपोजर मिलना चाहिए, तो उसके लिए पूरा ग्रेजुएशन के बाद कुछ काम करना चाहिए तो कुछ टाइम आएगा, तो फिर एक्सपोजर एकदम आप शॉर्टकट ढूंढने के तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो कला के लिए किया है ये भी बहुत अपनी भारतीय कला के लिए, भारतीय चित्रकारों के लिए अभिमान, एक थोड़ा सा प्राउड मोमेंट है। बट यही होता है ना कि शुरू में आपको जो एनकरेजमेंट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो शुरू में ये सब मिलना उस टाइम तो और भी मुश्किल था। अभी तो चलो ढेर सारी गैलरीज हो गई है, ढेर सारे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, बट उस टाइम ये सब कुछ नहीं था, इंटरनेट नहीं था, आपका जो डिपेंडेंस था ओनली गैलरीज पे था, एग्जीबिशंस पे था, संस्थाओं पे था। तो ये अभी हम लोग बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में यही एक हमारी ये है उम्मीद है कि ये हम शुरू रहे और ज़्यादा से ज़्यादा चित्रकारों के पास, शिल्पकारों के पास पहुँचें, उनको यहाँ मुंबई जैसे महानगर में लाए और उनकी कला प्रदर्शित करें। नितेश सोमपुरा है और यहाँ पर मेरी 2 पेंटिंग्स लगाई हुई है, दोनों पेंटिंग्स जो है वो आबू दिलवाड़ा में जो मंदिर है उसके बारे में है। ये जो आप पहली पेंटिंग देख रहे हैं वो एक्चुअली जो मंदिर जो बने हैं वो तो सफ़ेद पत्थर से बने हैं, लेकिन मंदिर में जो कार्विंग है उसकी जो रिचनेस है वो रिचनेस को दिखाने के लिए मैंने पर्पल कलर का यूज़ किया है, जिससे एक यूनिक पिक्चर बनता है जो कि आप पेंटिंग में देख सकते हैं जैसा कि कहीं नहीं देखा जाता। दूसरा जो पेंटिंग है वो दिलवाड़ा टेम्पल का डोम है, जब भक्त अपनी भक्ति करता है तो उसे कई चमत्कार के अनुभव होते हैं, उसे कई अनुभव ऐसे होते हैं जिसमें उसे अलग अलग तरह की लाइट दिखती है, भगवान के अलग अलग स्वरूप दिखते हैं,
तो ये सारी भावनाएं अलग अलग कलर के रूप में मैंने इस पेंटिंग में प्रस्तुत की है। ये मंदिर भी वाइट है टोटल, लेकिन उसमें अलग अलग कलर्स है, एक कैलिडोस्कोपिक विजन जो भक्तों को मिलता है वो मैंने प्रेजेंट किया है। उसके अलावा मैं बॉम्बे आर्ट सोसाइटी और राजेंद्र पाटिल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये आर्ट कार्निवल का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिससे नए आर्टिस्ट को भी प्रमोशन मिलता है और उसके अलावा जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, उनको भी अलग अलग आर्टिस्ट का के पेंटिंग्स एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं। धन्यवाद। नाम महेश वाघमारे, मैं सोलापुर से आया। मी कलर पेन्सिलमध्ये काम करते, आताशी माझी जर्नी चालू झाली आहे, त्याच्यामध्ये मला अजून खूप काही करायचं आहे, तर आताशी माझी सुरुवात आहे, तरी बघू काही पुढे अजून करायचं चालू आहे। ते माझं पहिलंच एक्झिबिशन आहे मुंबईत, त्यांनी कसा सपोर्ट भेटतो बघू। थँक्यू। आणि पेंटिंग वाले से बहुत शौक था परियों का और उन चीज़ों का, तो मेरे को यही मन में आता था कि मैं जंगल में जाऊंगी तो मुझे परियां मिलेंगी, मेरे को जुगनू दिखेंगे और मुझे बहुत रंग बिरंगे फूल दिखेंगे। तो मेरा बचपन पहाड़ों में बहुत गुजरा है और उसी वजह से मैंने ये अपने बचपन का एक दृश्य इस पेंटिंग में दर्शाया है, जो कि मैं मैजिकल फॉरेस्ट इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे अंदर जो बच्चा है वो अभी भी जिंदा है। वो कहता है कि शायद मैं यहाँ पे बैठूँ तो मेरे पास परियाँ आएंगी या यूनिकॉर्न आएगा या जो भी है और मुझे मेरे मन को सुकून देकर जाएगा। ओके मैम, कुछ बोलना चाहेंगे आप अपनी पेंटिंग बारे में? हाँ, मेरा नाम भाग्यश्री वाड़कर, मेरा MFA हुआ है क्रिएटिव पेंटिंग में और यहाँ पे ये प्रदर्शनी में मेरे ये दो पेंटिंग्स लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है आर्टिस्ट को, क्योंकि सोलो एग्जीबिशंस स्पेशली पहले पॉसिबल नहीं होते आर्टिस्ट को, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये दो मेरे पेंटिंग, इसमें मैंने अपना जो बचपन जहाँ पे मैंने बिताया, जो मेरा नेटिव प्लेस है विच इज़ फ्रॉम कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र, तो वहाँ के ये पेंटिंग्स, वहाँ के जो फॉर्म्स हैं लाइक माउंटेंस देन दिस कोकोनट ट्रीज एंड बोट्स, तो ये सब मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारे नेचुरल फॉर्म्स है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो जब भी मैं पेंटिंग करती हूँ तो यही अभी के लिए यही फॉर्म्स रिपीट हो रही है और उसमें मैं अलग अलग टेक्निक्स में उसका एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। थैंक यू।